चार शब्द दिए जिनका अर्थ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। जब उनको एनलाइटमेंट मिला तो उन्होंने किन मेन चार चीजों को समझा? सबसे पहले तो दुख क्या होता है, फिर समुदाय क्या होता है, फिर निरोध क्या होता है। निरोधा मतलब कोई भी रोध नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, उसको निरोधा कहते हैं। और फिर मगा, ठीक है। तो दुख क्या है कि सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट करो कि आपको कोई दुख है। अगर मैं आज आपसे कुछ पूछती हूँ कि सब बढ़िया है, आप बोलोगे हाँ सब बढ़िया है, आजकल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ही रहे हैं सभी, थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं कि नहीं भाई, अगर कोई कुछ पूछे कि आप ठीक हो तो हम क्या बोलते हैं, सब बढ़िया, बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी वो फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऑरा में जाएंगी एंड ऑरा से यूनिवर्स में जाएंगी, तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन डीप डाउन अंडरस्टैंड योर सफरिंग्स, ये आपके लिए, दुनिया के लिए आप भले ही बोल दो कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिल के अंदर आपको पता है आपको प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब जानते, ठीक है। तो अपने उस सच्चाई से अनभिज्ञ ना रहे, उसको, उस सच्चाई को अवॉइड ना करें, उस चीज को समझें। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स के सोर्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, राइट। अगर आपको कहीं पर मच्छर ने काटा है, उसका जहर फैल गया है, और आपको जो इचिंग हो रहा है वो कहीं और हो रहा है, आप उस इचिंग के ऊपर दवाई लगाते रहो, लेकिन वो नहीं जाएगी जब तक आप जहां पर उसने काटा है वहां वहां का इलाज नहीं करें। ऐसा ही होता है ना। उसी तरह से जब तक हमें अपने दुख के बारे में नहीं पता है, उसकी जड़ नहीं मालूम है, तब तक हम उसको दूर नहीं कर सकते। उसके बाद समुदाय, वही जैसे आपको उसके ओरिजिन तक जाना है। फिर निरोधा, निरोधा क्या है कि इस सफरिंग का अंत है, इस सच्चाई को आप माने, जिसको हम कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, लेकिन आपको उसके ऊपर बिलीव करने की जरूरत है। जब तक आप इस चीज को समझेंगे ही नहीं, आप इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि भाई मेरी सफरिंग्स खत्म हो सकती हैं, तो उसके सॉल्यूशंस आप तक आएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि आप उसके लिए वर्क ही नहीं करोगे ना, राइट। आपको रास्ते खुलेंगे कब? जब आपको रास्ते पे जाना है तभी तो रास्ते खुलेंगे। जब आप वहां पर बैरियर्स लगा के बैठे हुए हो तो आपको रास्ते दिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर बिलीफ सिस्टम की भी वो बात करते हैं। फिर एक है मगा, सही पाथ उन सफरिंग्स को खत्म करने का, उसको मगा कहते हैं, ठीक है। तो जो पाथ है वो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड करके हम लोगों के सामने भी रखा है, जो हम आगे आज करने वाले हैं।